कुछ मिस्टर ए। हेलो मिस्टर ए जी, क्या हाल है आपका? आप म्यूट पे हैं। हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक है, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी स्ट्रीम मैं 2-3 दिन से मतलब एक हफ्ते से फॉलो कर रहा था, तो आपकी स्ट्रीम बड़ी अच्छी लगी। और मैम जो इसी बात पे, मैं वैसे इंडिया से हूँ, हिंदू हूँ। अच्छा जी, तो मतलब मैम आपकी स्ट्रीम लगी, तो आपकी स्ट्रीम मुझे इसलिए अच्छी लगी कि आप न्यूट्रल हो, आप दोनों तरफ की बजाती हो ना, मुसलमानों से ज़्यादा वो करती हो ना हिंदुओं से, इसलिए मुझे अच्छी लगी। क्योंकि आपको लोग कहते हैं एंटी हिंदू, मैं नहीं समझता आप एंटी हिंदू हो, क्योंकि अगर किसी कमी में कमी बताना कोई बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात होती है। आप अपनी कमी जानो तो, अरे कमी है तो उसे समझो, उसे सुधार लो, उसने गलती क्या है। अब इंडिया मुझे मतलब इंडिया के बारे में आप कहते हो तो उसमें बुराई नहीं, जैसे जैसे कास्टिज्म पे मुझे मतलब हमारे यहाँ पे खुद लोग बोलते हैं कास्टिज्म में कोई बुरी बात तो उसे एक्सेप्ट करो ना, वो गलती है सुधार लो। 2021 में अभी मतलब 2022 आ गई, अभी भी कास्टिज्म अपनी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कास्टिज्म होता है यहाँ पे। मैं मतलब कास्टिज्म ओबीसी बैकग्राउंड से आता हूँ, सेकंड क्लास से आता हूँ, हिंदू धर्म में हम सेकंड क्लास में आते हैं। अच्छा हाँ, क्लासेस बहुत है, बहुत क्लास सिस्टम तो बहुत है वो, अब मगर वही बात है ना, अपना गंद किसी को नहीं दिखता है। मैम तो मैं तो इसमें आपको एंटी इंडिया बोलते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि किसी मतलब अपनी सच्चाई दिखाना कोई बुरी बात नहीं, आप गलती है वो सुधार लो, उसमें बुराई क्या है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी गलती नहीं मानोगे तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मगर मेरी तो, मैं एंटी इंडिया तो हुई ना ही, मैं एंटी हिंदू हूँ। नहीं लोग ये कहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, आई डोंट केयर, वो तो यू नो कि आपको इतने लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उतने लोग क्यों नहीं कर रहे, इतने लोग क्यों नहीं देख रहे। वैसे भाई मैं नहीं देख रही इतना जितना तुम लोग देख रहे होते हो सीरियसली बैठ के। मगर आपके अगर कोई चीज है, मेरी खुद फैमिली इंडिया में है, इंडिया में जाना भी चाहती हूँ, वहाँ पे ऐसी जगहें हैं देखने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है, मगर जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं ना, ये ना सुनने की ताकत ही उठा लो आप, ये कि हमको सुनना ही नहीं है। और अगर कुछ गलती है, अपनी गलती देखनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि ये रेटरिक ना, मैं 15 साल से पाकिस्तानियों से डील कर रही हूँ, पाकिस्तानी भी यही होते हैं, ये एंटी पाकिस्तान, ये रॉ की एजेंट, 15 साल से तो मुझे रॉ का एजेंट बनाया हुआ था इन लोगों ने, अब वो स्विच हो गए। तो मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ ना, मुझे इंडिया से कोई इतना वो है, मेरे बला से क्या आपका मुल्क सुधरे ना सुधरे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझको क्या जा रहा है, मुझे पर्सनली तो कुछ नहीं जा रहा ना, मगर मैं एक इंसानियत के नाते बात करती हूँ, क्योंकि शायद मेरी थ्रू, ऑडियंस के थ्रू लोगों को पता चल जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पैसे के लिए चुप बैठे, वो नहीं बोलेंगे, वो पॉलिटिशियंस और जो जो चैनल यूज करते हैं मनी, मतलब पावर और मनी चाहिए सबको, ताकत और पैसा किसको नहीं चाहिए, वो यूज करते हैं उन लोगों को। हाँ, ऐसा ही यूट्यूब पे भी है कि आपको, हाँ, आप पर... आपके मैंने स्ट्रीम देखी तो आप बदनाम लेती हैं कुछ लोगों का, तो मैंने देखा था वो लोग एक तरफ हो गए, मतलब तो अच्छा नहीं। अगर आप एक चीज छोड़ रहे तो दोनों तरफ से करो ना, मतलब गलती दोनों तरफ, सुधारने की कोशिश कर रहे तो दोनों तरफ सुधारो, एक तरफ क्यों बोल रहे हो? अभी तो मुझे और, अभी तो मुझको ये और वो करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे पता है कि इंडियंस और हिंदूज ले लो आप, तो वो बड़े स्मार्ट है। यहाँ पे मैं ऑनेस्टली, मैं ज्यादातर जितने इंडियंस को जानती हूँ ना, वो बड़े बड़े लोग हैं, किसी की ज्वेलरी की शॉप है, किसी का यू नो गैस स्टेशन है, कोई किसी बिजनेस में है, कोई यानी सक्सेसफुल भी है वो यहाँ पर, मगर वो यू नो वो उस टाइप की नहीं है कि वो हम नहीं, हम गाय का मूत्र पिएंगे और हमको क्यों बोला तुमने कि हम क्यों पी रहे हैं, यू नो एक सेकेंड यू नो उन लोगों की, तो आई नो कि सारे इंडियंस वैसे नहीं होते, मगर जो हम जिसको कहते हैं ना टुन्नी जो है, वो जो है बिल्कुल उनको सुनना ही नहीं है किसी चीज के बारे में, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, जो है सुन लो, या तो बर्दाश्त करना अपने अंदर पैदा कर लो ना, थोड़ा सा बस थोड़ी सी बर्दाश्त चाहिए और क्या है। मगर सॉन्ग बनाया है अभी, तो पूरा सॉन्ग बना है मैंने, लिरिक्स आपने दोनों लोगों पे सॉन्ग निकाला है? हाँ, तो मौलियों पे भी निकाला है, मौलियों पे भी अभी तो ये टुन्नियों में जो आ रहा है वो अभी मैंने प्रोडक्शन में है, वो सुने आप, पहले मैंने उसके लिरिक्स लिखे, फिर रे ने उस पर जो है प्रोडक्शन की है उसकी, वो मेरे पास वापस आ गया, कल मैंने वो वीडियो शूट किया है, ठीक है ना, अब वो वीडियो मुझे सिर्फ एडिट करना है, तो वो एडिट करके फिर मैं वो प्रोडक्शन आपके पास बहुत जल्द लेकर आऊंगी। मैम मैं एक चीज कहना, जैसे गाय मूत्र पे, जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे बाबा मतलब जो मेरे बाबा अभी जिंदा 90 मतलब 90 साल की उम्र हो गई थी,
वो उनने और उनके पर, मतलब बाबा के जो पिताजी, तो कभी मतलब गायमुत्री कभी कोई बात नहीं हुई, मतलब कोई कहता नहीं। हमारे गांव में, गांव से रिलेटेड करता हूँ मैं, गांव से आता हूँ, मतलब अभी तो मैं कोटा में, मतलब बाहर हूँ, वहाँ पे अभी तैयारी कर रहा हूँ अपनी। गाय का मुझे, मूत्र का मुझे समझ इसलिए नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कभी कोई इसी बारे में कोई बात ही नहीं हुई। और जैसे इसमें आप एक बात कहते हैं सती प्रथा, सती प्रथा वो पहले थी उसमें, मतलब घर में कभी इस चीज पे बात नहीं होती, लेकिन वो थी, वो गलती मानते हैं। हाँ वो गलत था, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलती मानो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लोग जैसे मुसलमानों को मैं देखता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे आप हमेशा कहते हो लेडीजों पे जो आप बात करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं नहीं उन्हें भी पता है। मुसलमान नहीं, नहीं उल्टा बता रहे हैं आप। एक सेकंड, थैंक यू बहुबाली जी, मेरा तो कब का ठंडा हुआ हुआ है दिमाग। तो नहीं, बात ये नहीं, मुसलमान ही आएंगे ना तो वो घुमाते हैं, वो जलेबी बनाते हैं। इंडियन ज्यादातर आकर यहाँ पर जो है, टूनीज जो है, वो ज्यादातर आकर झुटला देते, वो कहते हैं ही नहीं ये सती का ये जैसे है ना। और मुझे पता है सारे लोग ऐसे नहीं है, मगर ये एक साहब आते हैं यहाँ पर हमारे पास, नगेंद्र गांडे, तो ये बोलते हैं कि नहीं सती थी, नहीं वो तो क्या कहते हैं अंग्रेजों ने जो है किताबों में लिख दी, वो तो होता ही नहीं था। नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने भी खत्म की थी सती प्रथा, राम राजा मोहन राय थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर वो चीज खत्म हुई थी। राजा राम मोहन राय थे, तो उन्होंने ऐसे इसके खिलाफ वो लोग की। देखिए, अब ऐसे लोग इनको मल्टीप्लाई कर दें बाय 1000, वो बैठे हैं दूसरे चैनल्स पे, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं ना कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज गोइंग, और वो किस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम नागेंद्र सर का तो तो समझ नहीं आता मुझे, वो तो हर जगह पे गाली खाने आते हैं, वो सुनते ही नहीं है, बात नहीं ऑल समझना इंडियंस चाहते। आर नॉट लाइक दैट, थैंक गॉड, वरना इंडिया इतना प्रोग्रेस नहीं कर गया होता, नहीं इंडिया मैम, इतना आगे लोग नहीं में निकल पाता। अब यहाँ पर मैम किसी को, जैसे जिस जब से 2014 से, मतलब थोड़ी बीजेपी जो आरएस की जो आइडियोलॉजी, आरएस की जो आइडियोलॉजी, वो मतलब थोड़ी कट्टरवाद हो गए। जो हिंदू में उन्हें मतलब नहीं होता, जैसे हमारे में, मैं गाँव से रिलेटेड इसलिए बता सकता हूँ, गाँव में ज्यादातर लोग कट्टर गाँव से निकलते हैं, गाँव में कोई इतना मतलब नहीं रखता। वो अपना काम करते हैं, खेत में अपने नौकरी करते हैं, अपने काम करते हैं, मतलब वो मतलब नहीं रखते। ऐसे मेरे गांव के पास, गांव पूरा मुस्लिम का गांव और हमारा हिंदू गांव, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जो प्रधान बनते हैं वहां, यहाँ पर वो भी अब इसी आइडियोलॉजी पर लगे कि तुम मुस्लिम को वोट, मतलब हिंदू को वोट, मैं हिंदू तो मुझे वोट दो, मुसलमानों को वोट दो, तो इसी आइडियोलॉजी पे अंदर तक घुस गए हैं ये लोग, ये हाँ, बंटवारा बहुत करना चाहते हैं। होता है वहां पर, वहां हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लड़ाइयां करवा रहे होते हैं। मैं ये पूरी पॉलिटिशियन आइडियोलॉजी इसी का में काम चल है, रही है। किसी तरह से भी ना पब्लिक को डिवाइड करके रखो, ताकि वो खुद में ही लड़ते रहे, हम पे कोई फोकस ही ना रहे, ये क्योंकि इनका खुद का तब प्लान होता है। चले, आप उस थैंक पर नहीं यू, बोल थैंक पाओगे ना। यू ठीक है मिस्टर, मैं मैम, आगे बढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। सो हाँ, तो ये हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है, या आप लोग खुद ही बीच में लड़ते रहो, ये यहाँ पे भी डिवीजन है ना, कालों का वाइट, यू नो, ब्लैक एंड वाइट, उनके बीच में चल रहा है, फिर इंडिजिनियस के बीच में चल रहा है, फिर इस्लाम सामोफोबिया आ गया है बीच में, ट्रांस के ऊपर इन लोगों ने वो करा हुआ है, यू नो, दे ऑलवेज किसी ना किसी चीज पे हमको लड़वाते ही रहेंगे, लड़वाते ही रहेंगे, और खुद बैठ के खाते हैं आराम से वहां पर सारी। ये ज्यादातर ये यहाँ पे देखो तो यहाँ भी करप्शन है, यहाँ कौन सी करप्शन नहीं, यहाँ व्हाइट करप्शन है।